दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड की तमाम खबरों में। आज हम बात करेंगे वुमेन डे की। जी हाँ दोस्तों, वुमेन डे के मौके पर वैरायटी मैगजीन ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें दीपिका पादुकोण को इंटरनेशनल बेस्ट वुमेन का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस लिस्ट में परफॉर्मर, अधिकारियों, निर्माता और कार्यकर्ताओं के रूप में एशिया और अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका से 50 महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें हॉलीवुड की एक्ट्रेस निकोल किडमैन, सलमा हायेक, गल गैडोट, डेजी रिडेल जैसी कई दिग्गज एक्ट्रेस के नाम शुमार हैं। वहीं मैगजीन ने दीपिका की तारीफ करते हुए लिखा है कि हालिया सुपरहिट फिल्म पद्मावत की अभिनेत्री को अपनी फिल्म की खातिर कई समूहों से जान से मारने की धमकियां और गंदी गंदी बातें भी कही गई थी, लेकिन दीपिका ने इन सब के दौरान धीरज रखा और इन सब का डटकर सामना किया और बड़ी साहसी तरीके से उन्होंने अपने आप को संभाला, जो बेहद तारीफ काबिल भी है। वैसे एक बात तो है कि दीपिका पादुकोण ने अपनी मेहनत न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अभी हमारे हॉट वीडियो गॉसिप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी आप दबा लें, ताकि आप भी रह सकें बॉलीवुड की तमाम खबरों से अपडेट।